शहर को बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, आओ मेरे साथ। हेलो, ये आगे हमारे राकेश भैया, राकेश सुजानपुर के रहने वाले, 10 रुपए स्पेशल नाम दे पार्टी, शुक्रिया अदा करती है। आ गए विजय शर्फ, तुम मेरे चक्कर में आ गए हो, तुम्हारा खानदान अब मैं बर्बाद कर दूंगा। आओ 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 विजय, आओ आओ, जहां पहुंचना था वहां पर हम पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर बैठ कर क्या करोगे, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। लो लो, हम तुम्हें 500 का पत्ता दे रहा हूं, सामने जो मकान दिखाई दे रहा है, ओ सामने बड़ा वाला, जी हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर कुंदन का मकान है, उसके घर में एक जवान लड़की है, कुंदन की अंधी माँ है, वो आंख से देख नहीं सकती है, जाओ उससे प्यार करो, ये नहीं मानती है तो वहीं पर उसका काम फतेह कर देना। ठीक है भैया, संभालो, मैं अभी जा, चाय नाश्ता जम के करो, मेरे कहने के मुताबिक काम करो, हमेशा तुम्हारा नाम रोशन रहेगा, छोटे रोशन। अरे तो आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, आप हमारे भाई हैं। टैक्सी ड्राइवर कुंदन, तुम्हारे सर पर मौत का जाल पहुंच चुका है, तुम्हारी बहन की इज्जत नहीं बचेगी, इज्जत नहीं बचेगी, क्योंकि तूने शासन पर शासन के पास फोन किया है, ये फोन ना करते तो मैं जेल ना जाता। बेटी, हाँ माँ, अभी तक तेरा भाई कुंदन नहीं आया, और मेरा दिल नहीं लग रहा बेटी। माँ, मुझे लगता है कि भैया आज सवारी लेकर काफी दूर चले गए हैं, आते ही होंगे माँ। बेटी, हाँ माँ, किसी की चलने की आहट आ रही है। ठीक है माँ, लगता है मुझे भैया आ गए। नहीं बेटी, ये तेरे भाई की चलने की आहट नहीं है माँ, ये किसी दूसरे की चलने की आहट लग रही है। ठीक है माँ, मैं भी जाकर देखती हूँ। देख कौन है। Thank you.
हाँ मुन्नी मुन्नी को क्या हो गया मुन्नी मुन्नी के चीखने के आ जाए बेटा देख मुन्नी को क्या हुआ ठीक है मैं अभी देखता हूँ कमरे में हेलो ध्यान दीजिएगा विजय सिंह मुन्नी की इज्जत लूट लिया उसने अपने आप को जीवित रहना ना समझते है फांसी लगा लिया और अपनी जान दे दिया माँ मुन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही इसने रस्सी गले में पंदा डाल करके अपनी आत्महत्या कर लिया मेरी मुन्नी मुझे चोर कर चली गई नहीं भगवान मेरी मुन्नी मेरी आंखों का तारा थी इसी का सारा था इसे भी छीन लिया और दिल धीरज कैसे बंधे फूट गई नहीं दे सका जो तू मुझसे नाराज होकर के इस दुनिया को छोड़ चली और दूसरी बात वो कौन सी बात है कि जिसे
तुझे मजबूर किया जिसने कि तूने मौत को गले लगा लिया। या भगवान ये राज अब खुले तो कैसे खुले कि मेरी बहन की मौत का कारण क्या है। माँ ये बताइए आज अपने घर पर कोई आया तो नहीं था। हाँ माँ लेकिन मैं उसके कदमों की आवाज पहचान सकती हूँ चाहे वो लाखों में हो लेकिन मैं उसके कदमों की आवाज पहचान सकती हूँ और बता सकती हूँ बेटा। माँ ये तो बहुत अजीब गरीब बात है कि आप उसके कदमों की आहट को पहचान गई हैं। हम उस कातिल तक पहुंचेंगे कैसे। बेटा ये खबर ठाकुर विक्रम के सिंह के यहाँ पहुंचा दो। ठीक है भाई भंडारी इस बुरे समय पर मेरा साथ दो। मेरी बहन ने आत्महत्या कर लिया और ये खबर ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली तक पहुंचा दो। भंडारी तोड़ते हुए आ रहा है क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ भैया? मुन्नी का कत्ल हो गया। क्या? हाँ भैया कुंदन की बहन। हाँ, मुन्नी का खून हो गया। किसने किया ऐसा? ये नहीं हमें तो ये पता नहीं लगा। वो भी नहीं जान रहा कि किसने किया और कहाँ जाके भैया को एक खबर दे दो। ठीक है तुम तुरंत पुलिस को सूचित करो। मैं कुंदन के घर पहुंच रहा हूँ। मैं बर्बाद हो गया। मेरी अंधी माँ को रास्ता दिखाने वाली सहारा देने वाली मेरी बहन मुन्नी ने आत्महत्या कर ली। हाँ भाई कुंदन हमें सूचना मिली इसलिए मैं शासन प्रशासन साथ लेकर आया हूं उस कातिल की तलाश के लिए। और भाई कुंदन धैर्य धारण धरो हिम्मत से काम लो साथ में हम तुम्हारे न घबराइए बच न पाएगा कातिल और किस भी तरह जिस पे शंका होकर बदला बच न पाए पर शंका हो तो उसका नाम बताओ। दुश्मनी तो हमारी किसी से नहीं किसी पर शंका करूं किसको बतलाऊं मैं तो सच्चा भला नेक इंसान हूं किस पर शंका करूं किसको आपने कुछ पता लगाया? ठाकुर साहब उसका कोई पता नहीं लग रहा है लेकिन तो जिस तरह हो खोजो पुष्टि करो मेरी जागीर में ये प्रथम वार है बच न पाएगा जालिम और किसी भी तरह आपसे इल्तिजा मेरी सरदारी है बच न पाए जैसे भी हो कातिल का पता रहा आप लगाएं। ठाकुर साहब आप चिंता नहीं कीजिए कातिल कातिल कितना भी होशियार हो लेकिन वो कानून से बच नहीं सकता। एक न एक दिन मैं उस हरामजादे को
सलाखों के पीछे खड़ा कर। लेकिन इंस्पेक्टर जी, जगदेव सिंह के बिचारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ ठाकुर साहब, मैंने ये सुना है कि वो शहर में आपके भाई के साथ रहता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब कि जगदेव सिंह को सदा कुंदन की गवाही सी हुई थी। जी हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो बदले की भावना में ऐसा कर रहा हो। हाँ हो भी सकता है ठाकुर साहब, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उस कातिल को छोड़ूंगा नहीं, आप धीरज रखिए और हम पर विश्वास कीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत से जल्द उस कातिल का पता लगाएं। कातिल का पता आप लगाएंगे, सजा उस कातिल को हम देंगे। बहुत जल्द भाई कुंदन, धैर्य से काम लो। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द उस कातिल का पता लगवा करके उस हराम खोर को सजाए मौत दिलाऊंगा। ठाकुर साहब, बहन की मौत का सदमा उतना नहीं है जितना इस राज का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है, इसका सदमा है। मैं आपसे वादा करता हूं भाई कुंदन, ये